रहे हैं और उसके बारे में और आज के जन सुनवाई के बारे में मैं हमारे युवा साथी कन्हैया कुमार जी से गुजारिश करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। पत्रकार साथियों, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत कि आप इस प्रेस वार्ता के लिए आए हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से चलकर विभिन्न राज्यों से होते हुए आज 32वां दिन है। एक बार फिर से झारखंड राज्य हम लोग पहुँचे हैं, छत्तीसगढ़ होते हुए, और आज राहुल जी को इस यात्रा में यहाँ गढ़वा में होना था, लेकिन राजनीतिक सांगठनिक जिम्मेवारियों के चलते वो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। लेकिन जो हमारे तय कार्यक्रम थे, उस तय कार्यक्रम के तहत ही यह तय हुआ था कि हम मजदूरों के साथ बात करेंगे, खास करके जो मनरेगा मजदूर हैं उनकी समस्याओं को सुनेंगे, और एक जन सुनवाई के तहत आज हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जो प्रतिनिधि हैं हम सब लोग, और हमारे जो गठबंधन के सहयोगी दल हैं, हमारे जो तमाम नेता हैं, हम सब ने जो है उनकी बात सुनी, उनकी मांगों को सुना। मुख्य रूप से उन्होंने दो मांग उठाई है। एक तो मनरेगा के अंतर्गत जो गारंटी की गई है वो गारंटी ठीक से लागू नहीं हो रहा है। मजदूरों को जो कार्य अवधि निर्धारित किया गया है वो कार्य अवधि जो है उसके अनुसार काम नहीं मिलता है, और ना ही जो है मजदूरी ठीक से मिलती है। उल्टे करप्शन रोकने के नाम पे जो तकनीकी बदलाव किए गए हैं, उन तकनीकी बदलावों के चलते और ज़्यादा जो जॉब कार्ड हैं वो कैंसिल हो रहे हैं और मजदूरों को ठीक से मजदूरी नहीं मिलते हैं। हम आप लोगों से ये साझा करना चाहते हैं। हमारे बीच में राज्य सरकार के मंत्री मौजूद हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि केंद्र सरकार हमको हमारा राज्य का हिस्सा नहीं देती है, उसकी वजह से जो है हमको दूसरे फंड से जो मनरेगा मजदूर हैं उनको मजदूरी देनी पड़ती है। तो केंद्र सरकार की गड़बड़ियों के चलते, उनकी जो गलत नीति और नियत है उसके चलते मजदूरों को कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और हम समझते हैं कि यही भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लक्ष्य है कि हम समाज के जो 140 करोड़ लोग हैं, मोदी जी के दो चार जो चंदा देने वाले लोग हैं, जो उनके एक दो दोस्त हैं उनको छोड़ करके, जो इस देश के 140 करोड़ लोग हैं, हम सबके न्याय की बात कर रहे हैं, हम 100% लोगों के न्याय की बात कर रहे हैं। हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पांच तरह के न्याय की पुनर्स्थापना की के संकल्पों को दोहरा रहे हैं हम लोग बार बार। वो न्याय हैं किसानों का न्याय, श्रमिकों का न्याय, युवाओं का न्याय, और सभी वंचित वर्ग के, चाहे वो गरीब हों, दलित हों, आदिवासी हों, उनके तमाम लोगों के, महिलाएं हों, उनकी हिस्सेदारी की बात, और नारी न्याय, इन पांच तरह के न्याय का संकल्प लेकर के ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। और आप सबसे हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से यह साझा करना चाहते हैं कि आज देश में इस देश के अन्नदाता उनके साथ जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से एक तरफ तो आप सरकार जो है श्री चौधरी चरण सिंह जी को और डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न देती है, दूसरी तरफ इस देश के जो अन्नदाता हैं, जो ऑलरेडी आंसू बहा रहे हैं, उनका आंसू पोंछने की बजाय उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। किसान खेतों में अनाज उगाते हैं, धान बोते हैं, सरकार जो है वो सड़कों पर कील बो रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये देश बेचने और बचाने की लड़ाई है, किसान बचाने वाली कौम है, वो देश को बचाने वाली कौम है। तो ये हेलीकॉप्टर के घूमने वाले जो लोग दिल्ली की जी की हुकूमत पे बैठे हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि ये लड़ाई अगर हेलीकॉप्टर और ट्रैक्टर के बीच में छिड़ी है तो जीत ट्रैक्टर की होगी, इस बात को याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जी, आपको MSP की गारंटी करनी पड़ेगी। और मैं आपको आखिरी बात बोल करके अपनी बात ख़त्म करूँगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कल अंबिकापुर के जनसभा में यह घोषणा किया है कि हमारी सरकार आएगी, हम MSP को कानूनी दर्जा देंगे, और जो डॉक्टर स्वामीनाथन की सिफारिशें हैं उनके फॉर्मूले के हिसाब से MSP जो है किसानों को दिया जाएगा, इसकी गारंटी की जाएगी। इसकी घोषणा जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की है, हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने किया है। तो आपके माध्यम से हम एक बार फिर से इस बात को दोहराना चाहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संकल्प ये है कि हम पांच तरह के न्याय की स्थापना करके इस देश को शक्ति देंगे, और वो पांच न्याय है युवा का न्याय,
हिस्सेदारी का न्याय, नारी का न्याय, किसान का न्याय और मजदूर का न्याय। और न्याय देने से जो इस देश को शक्ति मिलेगी। और आज जयराम जी ने एक बात कही है कि हम लोग जैसे भारत जोड़ो यात्रा में कहते थे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, उसी तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हम लोग कह रहे हैं कि अन्याय के अंधकार के खिलाफ हम लोग न्याय का दिया जला रहे हैं। तो अन्याय से लड़ते हुए हमको न्याय की स्थापना करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कल 33वां दिन 2 बजे को बिहार के औरंगाबाद में जन रैली होगा, पब्लिक मीटिंग होगी। उसको हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी भी संबोधित करेंगे। कल 2 बजे से फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होगा। घबराइए नहीं, अभी जो है किसान को लेकर के किसान न्याय से जुड़ा हुआ एक घोषणा किया गया है, सुनिए ठीक से थोड़ा। क्या है कि प्रधानमंत्री जब से आए हैं ना, लोग सुन ही नहीं रहा है, खाली अपने ही मन का बात करता है, लोग दूसरे का सुनता नहीं है, थोड़ा सुना कीजिए। एक न्याय से संबंधित एक घोषणा हुई है। अभी 5 न्याय है, कौन 5 न्याय है याद हुआ आपको? बोलिए तो जरा, कौन कौन न्याय है? हम फिर से बोलते हैं, याद आ जाएगा। युवा न्याय, समझे? फिर भागीदारी न्याय, हिस्सेदारी न्याय भी उसको बोलते हैं। फिर नारी न्याय, याद कीजिए फिर ना भूल जाइएगा। उसके बाद किसान न्याय और मजदूर न्याय, 5 को याद हुआ? उसमें से किसान न्याय से एक जुड़ा हुआ घोषणा अभी हुआ है, कल अंबिकापुर में। अभी और होगा, दिखाइएगा, लेकिन दिखाइए, पता नहीं दिखाइएगा कि नहीं दिखाइएगा। अंबानी का चैनल, अंबानी का चैनल पता नहीं दिखाइएगा कि नहीं, लेकिन दिखाइएगा। अभी घोषणा होगा, अभी एक घोषणा हुई है कि MSP की गारंटी करेंगे, कानूनी दर्जा देंगे, समझे? और जो कैसे तय करेंगे, तो जो स्वामीनाथन जी का फॉर्मूला है, जिसको मोदी जी जी हैं भारत रत्न ना, उन्हीं का फॉर्मूला लागू है। कन्हैया जी आपसे युवाओं को लेकर आपका एजेंडा क्या रहेगा कन्हैया जी? अभी युवाओं को लेकर के भी घोषणाएं हो रही हैं, अभी उसको लेकर के जो है गारंटी की घोषणा नहीं हुई है। लेकिन युवा न्याय के तहत हम आपको बता दें कि रोजगार की गारंटी करनी है। सबसे ज़्यादा जो है रिक्त पद आज के डेट में खाली पड़े हुए हैं, सब विभाग में 10 लाख से ज़्यादा नौकरी खाली है केंद्र सरकार में, और भर्ती नहीं होता है समय पर। भर्ती अगर होने की बारी आए तो पता चला कि एग्जाम सेंटर पे जाइएगा, प्रश्न पत्र लीक हो गया है, पैसा लेकर के सीट बेच दिया है, तो नौजवान सब परेशान है। तो इसको कैसे कानून के दायरे में लाए कि जो है ना, ये भर्ती विधान को हम लेकर के आएंगे। अभी वो सब चीज़ तैयार हो रहा है। अभी किसान न्याय से संबंधित एक घोषणा हुई है, इसी तरह से बारी बारी से सभी न्याय से जुड़ी हुई घोषणाएँ होंगी। कन्हैया जी, आप न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर चल रहे हैं, और आपकी पार्टी जो है बिखर रही है, क्या कहेंगे? ना ना, हमारी पार्टी नहीं बिखर रही है। हमारी पार्टी बिखरने का मतलब होता है पार्टी के कार्यकर्ता और मतदाता का बिखरना। नेता सब कहीं थोड़ा कहीं दया बाया समझ रहे हैं ना, तो वॉशिंग मशीन उधर है ना, JP नड्डा जी के घर में, उधर जाके धुल जाते हैं, तो सब लोग धुलने के लिए जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है धुलने ही जा रहा है? और ये सवाल पूछिए उनसे कि जो पार्टी पे आप आरोप लगाते थे परिवारवादी होने का, भ्रष्टाचारी होने का, वो नेता सब आपके पास आकर के सुन्नर चिकन कैसे हो जा रहा है, पूछना चाहिए ना। पार्टी नहीं बिखर रही है, पार्टी इतनी मजबूती से खड़ी है ना कि नारा लगाए थे एक अकेला, अब बोल तो अकेला काहे है, यशोदा जी हैं गुजरात में, तो काहे आप अकेले घूम रहे हैं? गांधी जी देश को आज़ादी दिलाने के लिए कस्तूरबा जी को साथ में लेके घूमते थे, आ इनको देश चलाने के लिए पत्नी छोड़ने का क्या जरूरत था, तो अकेला क्यों है ये? लेकिन नारा दिया भाजपा का लोग, एक अकेला सब पर भारी है, तो काहे नीतीश जी का जरूरत पड़ गया भाई, काहे जो है इनको जयंत चौधरी का जरूरत पड़ गया है? और देखिएगा चुनाव आते आते और कितना चीज़ का जरूरत पड़ता है इनको। इससे पहले आप NDA का नाम सुने थे? भुला गया था लोग, नारा लगता था राष्ट्र के ये 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर, कहाँ गए कुछ पता नहीं। अभी आडवाणी जी भी याद आए हैं, उनको भी भारत रत्न मिला है, भाजपा को बहुत बधाई हो। तो एक अकेला का नारा देते थे, खाली मोदी मोदी नारा था ना, लोग हम लोग लगाते थे बिहार में लोग, हर हर महादेव, तो आया हर हर मोदी, मोदी जी के अलावे और कुछ नहीं। पहले भाजपा सरकार होता था, हम जो गारंटी दे रहे हैं ये कांग्रेस की गारंटी है, ये किसी एक व्यक्ति की गारंटी नहीं है, कांग्रेस की गारंटी है। वो कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, भाजपा की गारंटी नहीं है, मोदी का सरकार है, भाजपा का सरकार नहीं है। तो एक अकेला बोलते थे, अभी उनको सबका जरूरत पड़ रहा है, इसका मतलब कौन कमजोर है, हम कमजोर हैं कि वो कमजोर हैं?
वो ना कमजोर हैं कि एक एक लोग को जुटा रहे हैं, हम तो नहीं कमजोर हैं। जब इंडिया की बैठक हुई 28 पार्टी बैठी, तब आनंद फानंद में इनको एनडीए याद आया और 28 पार्टी से ज़्यादा पार्टी को जुटा करके जो है, देखिए परसेप्शन वॉर है, ये परसेप्शन में आपके दिमाग में डाल देना चाहते हैं कि हम कमज़ोर हैं। अगर हम कमज़ोर हैं तो सब कुछ हमारे पीछे लगाए हुए हैं, ईडी, सीडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और बहुत सारे जो है इनके जैसे दोस्त, क्या जी सब लोग लगाए हुए हैं। हम कमजोर के पीछे लगाए हुए हैं कि मजबूत के पीछे लगाए हुए हैं? अंतिम बात बोलते हैं बात याद रखिएगा कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं होता है, मजबूती का नाम एक समय प्रधानमंत्री ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत। पिछले दो दिन में आप क्या देख रहे हैं? कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने क्या कहा? परिवारवाद के खिलाफ है। कल किसको राज्यसभा टिकट मिला? अशोक चव्हाण। आज अभी एक घंटे पहले किसको टिकट मिला राज्यसभा? मिलिंद देवरा। कहां गया परिवारवाद? अभी वो समाजवाद बन गए। आरपीएन सिंह सर, एक कन्हैया जी से क्वेश्चन था। ठीक है, आप और एक दूसरा सवाल, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सर, भूल गया, मीर साहब ने मुझे याद दिलाया, तीसरा नाम है आरपीएन सिंह। परिवारवाद हरपीएन सिंह, मिलिंद देवरा परिवारवाद, अशोक चव्हाण परिवारवाद। सर, इंडिया गठबंधन में कितने लग रहे हैं? शुक्रिया।